श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग 315वें दोहा तक अध्ययन किए थे, जो कि मास पुराण 21वां का भाग था। और हम लोग बड़े ही सुंदर श्री राम और भरत के बीच का संवाद अध्ययन किए थे। उसमें स्पष्ट निकल करके आया था कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर ही न खाले। अर्थात गुरु माता और पिता के कहने के अनुसार यदि कोई भी काम किया जाए तो पाप नहीं लगता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण जो श्री राम जी का आदेश भी है, और दोनों बंधुओं का प्रेम, अतिशय प्रेम, उस प्रेम की जो है कोई प्रकाष्ठा नहीं, उस प्रेम की लिए कोई शब्द नहीं है, उस प्रेम को वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा मैं भी अनुभव करता हूँ, आप भी अनुभव किए होंगे, और गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी कहते हैं। तो आज हम लोग 315वें दोहा, अर्थात जब भगवान श्री राम स्पष्ट कर देते हैं कि अब वो अयोध्या नहीं लौटेंगे, तो भरत जी और सारे अयोध्या नगरवासी मन मार करके लौटते हैं, आशीर्वाद लेकर के, भगवान श्री राम का खड़ाऊं लेकर के लौटते हैं अयोध्या को, और फिर नंदीग्राम में जा करके निवास करते हैं। आज हम लोग इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो आइए अयोध्या कांड के 315वें दोहा से हम लोग आगे अध्ययन शुरू करते हैं। बोलिए जय श्री सीताराम। श्री राम जी कहते हैं, मुखिया मुखी सो चाहिए, खान पान कहूं एक, अपालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जय श्री सीताराम। ये मुख एक ही है, मुंह तो एक ही है, और सब कुछ खाते पीते हम लोग इसी से हैं, लेकिन शरीर के सारे अंगों, सारे अलग अलग तत्व की जो जरूरत है उसको यह पूरा करता है। और जिस तरह से यह पूरा करता है उसी तरह से यह संसार भी परमपिता परमात्मा उसको एक ही तरह से चला रहे हैं। राज धर्म सर्वसु इतनोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जिमि मन माह मनोरथ गोई, जय सिया राम जय जय सिया राम, बंधु प्रबोध किन बहु भाति, बिनु आधार मन तो सुन साती। राज धर्म का सर्वस्व सार इतना सा ही है कि जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाते हैं, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। कहानी यही है कि राजा का राजधर्म इतना सा ही है कि जिस तरह से एक मुख सारे अंगों को पालता और पोसता है, ठीक उसी तरह से एक राजा का भी व्यवहार होना चाहिए। भरत शील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह विवस रघुराजो, प्रभु करि कृपा पावर दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील प्रेम, और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी, और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। यही तो दुनिया है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक पद अर्थात पोस्ट चाहिए होता है, उनको अधिकार चाहिए होता है, अधिकारी बनना चाहेंगे बिना जिम्मेदारी का। और एक हमारे भगवान राम के छोटे भ्राता भरत है, जो उन्हें अयोध्या का पद नहीं चाहिए, उन्हें पद चाहिए, भगवान श्री राम का पद चाहिए। और जिसके पास राम का पद मिल जाए, और वो भी सर पे, जीवन का सारा काम सुलभ हो गया। चरण पीत करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं, दो खड़ाओं दो पहरेदार हो गए अयोध्या के लिए।
भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन से वासुधरम के भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे तो। रघुकुल की रक्षा के लिए अर्थात अयोध्या के रक्षा के लिए वह दो खड़ाओ दो किवाड़ है दरवाजा है। कुशल और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उनको एक आधार मिल गया हुआ खड़ाऊं उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीता राम जी उनको मिल गए। अयोध्या रहने से उनको जो खुशी मिलती वही खड़ाऊं मिलने से खुशी हुई। मांगे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई अलोक उचाटे अमर पति कुटिल कुरूपाई हरिओम शंकर शरणम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया उनका मन जो है निराश कर दिया। शोक चाली सब कहा भैनी की अवधि आस सम जीवन जी की नतर लखन सिय राम वियोगा हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर ही हो गया क्योंकि अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी के प्रति जो प्रेम था उसके वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपाय वरे वसुधारी विभुत धारी भई कुनद गुहारी भेंट दूज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कहिनो परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक अर्थात हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधन धीर जुत्यागा बारी जलोचन मोचत बारी देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण गुरु दूर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से जे बिरंचि निर्लेप उपाय पदुम पत्र जिमि जग जाल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। तेव बिलो की रघुवर भरत प्रीति अनुपे अपार भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार जय श्री सीताराम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुर गति मति भारी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी बरनत रघुवर भरत वियोगु सुनी कठोर कभी जानहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई अर्थात प्रेम के आगे सारा ज्ञान और विज्ञान रखा रह गया। उस दिव्य प्रेम को प्राकृत अर्थात लौकिक कहने में बड़ा दोष है। वह अलौकिक प्रेम है प्राकृतिक प्रेम है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ प्रेम है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे क्योंकि उस प्रेम का कोई वर्णन नहीं है। वह प्रेम संसार में देखने नहीं मिलता है इसलिए तो उसको अलौकिक प्रेम कहते हैं। सो सकोच रसु अकत सुभानी समय स्नेहु सुमिरि सकुचानी भेंटि भरत रघुबर समुझाए पुनि रिपुदवनु हरसिहि अलाए। वह संकोच रस अकथनीय है
अतः वह कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख तू समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया, वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीश धरी राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन भेंटी प्रणाम करी, सिर धरिसिय पद दूरी, अचले स प्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मोरी, जय श्री सीताराम। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपहि सिर नाई, कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की, प्रशंसा किए और कहे कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। पुर पग उधार्य देई असीसा, किन धीर धरि गवनु महीसा, मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए, यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किए। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पगया शिष पाई, कौशिक बाम देव जबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किए। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदि प्रभु, सुचि स्नेह मिलि भेंटि, विदा कीन सजि पाल की, सकुच सोच सब मेटि, हरि ओम शंकर शरणम। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किए। परिजन मातु पिता ही मिल सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि ही न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं हो सकता है कि कोई माता अपने माता पिता से, कोई स्त्री शादीशुदा अपने माता पिता से कितनी प्रेम करती है। यह अथाह प्रेम है, दुनिया में यह निश्चल प्रेम है। कहते हैं किसी घर में कोई लड़की हो तो लक्ष्मी है, उसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकते हैं उस प्रेम का जो खुद उस दौर से गुजरे हैं।
सुनि सिख अभिमत आशीष पाई, रही सिया दुहु प्रीति समाई, रघुपति पटु पाल की मंगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई, बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दू भाई, समसने जननी पहुंचाई, साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल की न पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किए। हृदय राम सिया लखन समेता, जय सिया राम जय जय सिया राम, चले जाहि सब लोग अचेता, जय सिया राम जय जय सिया राम, बसह बाजि गज पशु हारे, जय सिया राम जय जय सिया राम, चले जाहि पर बस मन मारे, जय सिया राम जय जय सीता राम। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं, क्योंकि श्री राम को छोड़ करके जा रहे हैं। जिसके जीवन में श्री राम को छोड़ करके जाना पड़े तो उसके हृदय में ऐसे ही दुसह दुख होगा। गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत, अफिरे हरस विस्मय सहित आए परण निकेत, जय श्री सीता राम। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा किन सन्मान निसाधु, चले हृदय बड़ विरह विसाधु, कोल की रात भिल बन चारी, फेरे फिरे जुहारी जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि बनवासी लोगों को लौटाए। वे सब जुहार जुहार करके वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग विल खाही, भरत स्नेह सुभाव सुभानी, प्रिया अनुज सन कत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस भरनी, तहीं अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलोकित सारघुबर की, बरसि सुमन कहीं गति घर घर की, प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसे। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर आश्वासन दिया, तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिया समेत प्रभु राजत परण कुटीर, अभक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर, जय श्री सीताराम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिसुर गुर भरत भुआलो, राम विरह सब साजु बिहालो, प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले जग माही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयो, सो बासुर बिन भोजन गयो, उतरी देवसरी दूसर बासु, राम सखा सब किन सुपासु।
पहले दिन अर्थात सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए, सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनको रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज संहारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी चार दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरह होती चले साज सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम रज धानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दर्श लगे लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस, जय श्री सीता राम। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि का आशा पर जी रहे थे, अर्थात अब वो जी रहे थे कि कैसे जल्दी से हमारा यह 14 साल कट जाए। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे, पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्दत किया, वे सब सिख पाकर के शिक्षा पाकर के अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम वय विनय निहोरे, ऊंच नीच कार्य भल कोचु, आय सुदेव न करव सकोचु। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबह सब साए, सानुज के गुर के बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होई तरहौं सन सने मां, बोले मुनि तन पुल की सपे मां, समु जब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो वही सोई, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनिशिक पाई आशीष बड़ी, कनक बोली दिनु साधि, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि, हरिओम शंकर शरणम। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्वघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गाव करि परन कुटीरा, किन निवास धर्म दुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया, क्योंकि मन में एक भाव था कि हमारे भैया श्री राम, हमारे स्वामी श्री राम, हमारे भगवान राम यदि वन में निवास कर रहे हैं और हम महल में निवास करें तो यह उचित नहीं होगा। उस पर भी जब भगवान राम पर्णकुटी में निवास कर रहे हो और हम घर में निवास करें वह भी संभव नहीं है। साथ ही जिस जमीन पर भैया निवास कर रहे हैं अर्थात भगवान राम निवास कर रहे हैं उस जमीन पे हम निवास करें तब तो फिर बराबर की बात हो गई, तो क्यों ना हम नीचे थोड़ा सा सोए। तो उन्होंने एक गड्ढा किया और गड्ढे के अंदर सोते थे ताकि हम भगवान राम से नीचे रहें।
जटाजीत सुर मुनि पट धारी मही खनि कुश सातरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म स प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन वचन तजे तिन तूरी अवध राजु सुर राजु सिहाई दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़ करके प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र भी तरसते हैं और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी शर्म करते हैं लजा जाते हैं। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरी कजिमि चंपक बागा रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोग ऐश्वर्य की बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं हैं और इसी को त्याग कहते हैं। जिसके पास सब कुछ है फिर भी एक बलकल वस्त्र पहन करके और एक मुनि के तरह जीवन जी रहा है। जिस राज्य को जो है इंद्र भी तरसते हैं, जिस राज्य की संपदा को देखकर कुबेर भी शर्माते हो, उस संपदा को भरत जी छोड़ करके तो ऐसे ही लोग तो अपने जीवन में जो है त्याग करके भगवान को पाते हैं। ऐसे लोग नहीं पाते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं और वह बलकल वस्त्र धारण कर लेते हैं तो जो है वह क्या करेंगे। जब है ही नहीं तो आपके पास त्यागने के लिए तो आप जो है त्याग का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह त्याग असली त्याग है। ठीक है। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नहीं करतूत चातक हंस सराहियत एक विवेक विभूति जय श्री सीता राम। भरत जी का त्याग देखिए, फिर गौतम बुद्ध का त्याग देखिए। ये त्याग त्याग होता है जिसके पास सब कुछ है और वह जो है उसको बोलते हैं असली त्याग। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूपी करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और निर्छिर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिना हो दिन दुबरी होई घटई तेज बल मुख छवि सोई नित नम राम प्रेम पनु पीना बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अर्थात अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाले जो मेद हैं, वो संस्कृत के कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है, अर्थात यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती है। तो वह अर्थात शरीर का तेज, शरीर की शक्ति घट रही है। बल और मुख छवि, मुख की कांति और शोभा वैसे ही बनी हुई है क्योंकि वह राम का प्रेम है। शरीर जो है तृढ़ हो रहा है, राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन कभी उदास नहीं होता है। अर्थात मन जो है भगवान श्री राम के याद में भरत जी का मन अति प्रसन्न है। जिमि जलो निगटत सरद प्रकाशे बिलसत बेतस बनज विकासे समदम संयम नियम उपासा नखत भरत ही अभिमलय कासा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधीरा काशी स्वामी सुरति सुर विधि विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोसा सहित समाज सोहनित जोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सुरति अर्थात स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है।
भरत रानी समुझन कर तूती भगति बिरति गुण विमल विभूति भरनत सकल सुख विसकुचाहि शेष गणेश गिरा गमुनाहि भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की जो है सरस्वती जी भी वहां नहीं पहुंचती हैं। जितना उनके अंदर प्रेम है, जितनी निर्मलता है, जितनी ममता है। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति हृदय समाति मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति जय श्री सीताराम। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके वे बहुत प्रकार राज काज करते हैं। पुलक गात हिय सिय रघुबीरु जिय नाम जप लोचन नीरु लखन राम सय कानन बसहिं भरत भवन बसि तप तनु कसहिं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को बहुत ही कस रहे हैं, शरीर को बहुत ही सुयोग्य बना रहे हैं, क्योंकि जिस शरीर में भगवान की भक्ति हो उससे सुयोग्य शरीर कुछ नहीं हो सकता है। दो दिशी सामुजी कहत सब लोगो जय सिया राम जय सिया राम सब विधि भरत सराहन जोगो जय सिया राम जय सीता राम सुनि व्रत नेम साधु सकु चाही जय सिया राम जय सिया राम देखित सामुनि राज ल जाही जय सिया राम जय सीता राम। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं, उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणो मधुर मंज मुद मंगल करनो हरण कठिन कलि कलुष कलेशो महामोहन सिदलन दिनेशो। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलियुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृग राजु समन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भारु राम स्नेह सुधाकर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के लिए संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भरे संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है, अमृत है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हित जनमुन भरत को जय सिया राम जय सीता राम मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को जय सिया राम जय सीता राम दुख दाह दारिद दम दुसन सुजस मिस अपहरत को जय सिया राम जय सिया राम कलिकाल तुलसी से सठ नहीं हटि राम सनमुख करत को जय सिया राम जय सीता राम भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुनहि जय सिया राम जय सीता राम सिया राम पद प्रेम अवसि होइ भव रस बिरति जय श्री सीता राम। श्री सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन बताता, कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा इस कलयुग में तुलसीदास जैसे सठों को हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। यह भरत जी की भक्ति ही है जो हम सबको प्रेरणा देती है। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस में वैराग्य होगा। इस तरह से अयोध्या कांड हम लोगों का संपन्न होता है। इसमें जो कई सारे मुख्य बिंदु पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भगवान श्री राम विवाह कर चारों भ्राता आते हैं, आनंद उत्सव मंगलमय जीवन जीते हैं अयोध्या में,
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वह आनंद मंगल शायद विधाता को न देखा गया और कैकेयी की बुद्धि फिर जाती है। और कैकेयी तो सिर्फ एक माध्यम है, करने वाला विधाता ही है। फिर भगवान राम को वनवास मिल जाती है, जहाँ राज्याभिषेक मिलना चाहिए था मिल रहा था, और विधि का विधान भगवान श्री राम को वन जाना पड़ा। और दशरथ जी भी स्वयं में अति प्रेम की प्रकाष्ठा पार कर जाते हैं। और यह होता है असली प्रेम, कि उस प्रेम में प्रेमी के अर्थात अपने राम के वियोग में शरीर का त्याग देना स्वयं में बहुत, इस प्रेम का जो है इसका कोई शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसके लिए माफी। फिर भगवान श्री राम वन को चले जाते हैं, भरत जी आते हैं, अंत्येष्टि वगैरह सब कुछ करने के बाद फिर श्री राम से मिलने जाते हैं। और वह सुंदर संवाद हम लोगों ने अध्ययन किया, बड़ा ही सुंदर संवाद, लेकिन यह संवाद सिख प्रद है, शिक्षा प्रद है। परंतु जो मकसद है भरत जी का कि राम जी अयोध्या लौट चलें, राम जी अयोध्या नहीं लौटते हैं। अंततो गत्वा राम जी का चरण पादुका भरत जी लेकर के लौटते हैं अयोध्या को, उसकी ही सेवा करते हैं और चरण पादुकाओं को इस तरह संभाल कर रखते हैं जैसे वह दो चरण पादुका नहीं बल्कि राम के दो अक्षर हैं, वह भरत जी के दो नेत्र हैं और अयोध्या वासियों के लिए दो पहरेदार मिल गए हों। इस तरह से वह खुद नंदीग्राम में एक भाव को रख करके कि श्री राम यदि जंगल में रहते हैं तो हम महल में नहीं रहेंगे, श्री राम जी यदि जमीन पर सोते हैं तो हम उनके नीचे जमीन के नीचे सोएंगे, यदि वह बलकल वस्त्र पहनेंगे तो हम भी बलकल वस्त्र नहीं पहनेंगे, वह कंद फल मूल खाएंगे तो हम भी वही खाएंगे, महल के जो है मिठाई और छप्पन भोग नहीं सेवन करेंगे। ऐसी भाव लेकर के भक्त भरत के स्वयं में एक उदाहरण, एक त्याग, जो अयोध्या जैसे राज जिसके लिए इंद्र तरसते हैं, जिसके संपदा को देखकर कुबेर भी लज्जित होते हैं, ऐसी संपदा और महल को त्याग करके, ऐसे सुख सुविधा को त्याग करके भरत जी श्री राम के प्रेम में नंदीग्राम में वास करते हैं, कंद फल मूल खा करके वास करते हैं। यह स्वयं में सबसे बड़ा त्याग है। वास्तविकता यह है कि यही त्याग असली त्याग है, जिसके पास कुछ है त्याग करने के लिए वही तो त्याग करेगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं वह तो भक्ति ही करे ना, वह भगवान का भजन ही करे ना, वह त्याग नहीं। यह त्याग ऐसा है कि जिसने इस तरह का त्याग कर दिया वह साक्षात परमपिता परमात्मा की शरण में आ गया, चाहे वह राजा भरत हो कि गौतम बुद्ध हो, यह त्याग असली त्याग है। तो चलिए, त्याग तो सीता जी का भी हम लोगों ने देखा इसी में कि उन्होंने भी अयोध्या और जनक जी जैसे, राजा जनक की जैसी पुत्री, और जहाँ पे दुनिया के सारे भोग विलास लेकिन अपने पति का प्रेम, और जो है जंगल में रहने के लिए जो है वह जंगल में रह करके भी खुश है क्योंकि पति का प्रेम है। तो चलिए आज हम लोग अयोध्या कांड संपन्न करते हैं, इसके बाद हम लोग अरण्य कांड पढ़ेंगे जहाँ पे भगवान श्री राम जो है दंडक वन में निवास करते हैं, पंचवटी में निवास करते हैं, और खर दूषण और सुपर्णखा का बद, सुपर्णा का नाक काट लेते हैं सुपर्णखा का, और जो है बद करते हैं, ये सब जो है पूरी अध्ययन करेंगे आज यहीं तक। तब तक बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। तो जस्ट दो मिनट, क्योंकि तो भरत की प्रेम और परिपूर्णता को देख करके दो मिनट श्री सीताराम बोल लिया जाए, उसके बाद हम लोग अगले अध्ययन पर पहुंचेंगे। बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।
पूरी जिंदगी जीने में एक ही चीज समझ में आई, रामचरण ही सुखदाई। ये माया मोह है बहुत दुखदाई, श्री रामचरण सुखदाई, रामचरण सुखदाई। जय श्री सीताराम।